वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया रेसिपी के साथ मैं प्रिया फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। तो आज बनाएंगे हम सोया चिल्ली। सोया चिल्ली के लिए मैंने यहाँ पर सोयाबीन लिया था, उसको भिंगो के रखा था और उसमें जो रेगुलर मसाला है सारा मसाला मैंने डाल दिया था, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, बेसन। और इसमें डाल देंगे एक अंडा, डालने के बाद अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे कुछ देर तक, फिर ढक के रख देंगे। कुछ देर तक ढक के रखने के बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में जो है जो कुछ भी मेरा रेगुलर मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, तो ये जो सोया चिल्ली है खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें फिर बेसन डाल, बेसन डालने के बाद मैं इसे डाल दूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डालना ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छा से फूलेगा नहीं। फिर मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। और ये खट्टा वाला जो दही है, मेरे पास थोड़ा सा दही था, आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होगा तो ज़्यादा दही दीजिएगा। इसका रेसिपी ज़रूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनता है। जो जानते हो वो तो जानते हो। तो आज का मेन मेरा ब्लॉग है ये रेसिपी को लेकर, तो बहुत अच्छा से जो है मुझे इसे मैरिनेट करना है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट से मेरा चैनल आगे जाएगा। तो इसे इस तरह से मैरिनेट करके कुछ देर तक छोड़ देना है। कुछ दिन बारिश हो रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, फिर से आपका गर्मी बहुत ज़्यादा आ गया और बारिश कम हो गया। तो इसको आप अच्छा से हम मतलब बड़ा जैसा बना बना के भूंज लेंगे। इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये इसमें बेकिंग पाउडर दिया है बोल के इसका फ्राई बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होगा और गोल गोल जैसा बड़ा जैसा बन भी जाएगा। तो चलिए इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं कि कैसे फ्राई हुआ है। तो इस तरह करके सबको एक एक ठो छोड़ देंगे। तो इसको मैंने 5 से 10 मिनट तक रख दिया था कि इसका अच्छा सा अंदर में नमक जो है घुस जाए। तो ये जो सोया चिल्ली मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उस दिन चिल्ली चिकन बनाए थे तो मेरा हस्बैंड बोल रहा था चिल्ली चिकन बना, एक दिन आप सोया चिल्ली ज़रूर बनाइएगा। तो ये स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है नहीं खाते और ससुर जी खा लेंगे लेकिन बेटा नहीं खाते। तो ये गर्मी में आप सब कैसे हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग का यहाँ तो गर्मी से बेहाल है, बारिश नहीं हो रहा, इस वजह से बहुत जगह कीर्तन हो रहा। बहुत कोई जानते होंगे कि बारिश नहीं होने से ना बहुत जगह कीर्तन करवाया जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छे से बड़ा सब जो है मैंने उठा लिया। फटाफट से बाकी जो है मैं फ्राई कर लूँगी। ये बड़ा ऐसे खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप लोग ऐसे भी जैसे खा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे खाने में भी अच्छा ही लगेगा। मैंने खाया नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। सारा बड़ा मैंने भूंज के उठा लिया था, अब मैं इसमें तेल में डाल दूंगी। अब मैं इसमें दे दूंगी तेल में गोटा जीरा और इसके लिए मैंने कैप्सिकम और प्याज को काट के रखा था इस तरह साइज करके, इसको भी मैं डाल दूंगी। और ये जो सोया चिल्ली है रोटी पराठा के साथ लाजवाब लगता है, या फ्राई राइस के साथ भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, फ्राई राइस, जीरा राइस, किसी का साथ भी। तो इसका रेसिपी कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, नहीं कमेंट करने से मुझे पता नहीं लगेगा। गर्मी इतना बेजोड़ लग रहा था, किचन में रहने का मन नहीं हो रहा, क्या करें, किचन में दिन बीत जाता है सुबह से शाम काम करते करते। आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कोई भी मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल में अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको सब्सक्राइब कर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसमें मैंने डाल दिया था नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि इसमें नमक पड़ेगा तो ये जल्दी जल्दी जो है सीझ जाएगा, प्याज और कैप्सिकम जो है बहुत जल्दी सीझ जाएगा।
तो अब ये जब पूरा सीज गया था तब इसमें मैंने हल्दी डाल दिया था। अब एक एक करके जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा एक एक करके मैं डाल दूंगी। तो इसमें मैंने मिर्च पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था क्योंकि इसमें खट्टा मीठा हर एक टेस्ट आएगा इसी वजह से। अब इसको मैंने फिर से सिम करके मैं मिक्स कर रही थी। इसमें डाल दूंगी मैं सोया सॉस जितना चाहिए होगा उतना। जैसे यहाँ मैंने एक कैप्सिकम और दो प्याज लिया था तो मैंने एक कप सोया सॉस डाला था, दो कप टमाटर सॉस डाला था और एक चम्मच बेकिंग पाउडर मैं अच्छा से घोल लिया था और उसको डाल दिया था। अब मैं डाल दूंगी उसमें पानी, क्योंकि बेकिंग पाउडर देने के साथ साथ आपको पानी देना है, नहीं तो पूरा वो जो है टाइट टाइट हो जाता है। तो फिर जैसे ही उबाल आ गया था, जो मैंने आपका सोया को भूंज के रखा था उसको मैं मिक्स कर दूंगी। बहुत ही टेस्टी बना था ये सोया चिल्ली, आप लोग ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये आप 2-3 मिनट के बाद टोटली रेडी हो जाएगा। तो मेरा हस्बैंड का टिफिन में आज ये सोया चिल्ली जाएगा और इसका साथ जाएगा क्या, वो जानने के लिए आपको पूरा ब्लॉग में बने रहना है। तो चलिए सोया चिल्ली को उतार लेते हैं, क्योंकि ये हो चुका रेडी। ज़्यादा नहीं सूखेगा, थोड़ा तरी वाला रहेगा, क्योंकि ये एकदम सूखा सूखा सा नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा तरी रहता है। रोटी पराठा सबका साथ खाना होता है और थोड़ा तरी नहीं रहेगा, एकदम सूख जाएगा तो अच्छा भी नहीं लगता है इसी वजह से। तो और एक बात बताना चाह रही, मेरा बेटा भी स्कूल गया, स्कूल से आया नहीं है और उसका कुछ दिन बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसी वजह से उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और हम थोड़ा सा बाहर भी जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं आप लोग को बाद में कमेंट में आप लोग को बाद में बताएंगे। तो ये देख सकते बन चुका था। तो मेरा दीघा वाला ब्लॉग तो आप लोग देखे थे कि समर वेकेशन में दीघा गए थे, आप और कहीं जाने वाले हैं जो आप लोग को बताएंगे। तो मेरा सोया चिल्ली रेडी हो चुका था, अब मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल, और तेल डालने के बाद एक एक करके मैं सब कुछ इसमें डाल दूँगी जो जो मुझे ज़रूरत है। इसमें डाल दिया था मैंने गोटा जीरा, ये वाला राइस का साथ और ये सोया चिल्ली एकदम परफेक्ट जाता है। तो आप लोग बना के मुझे बताइएगा। तो आप जीरा को थोड़ा देर तक चटकने देते हैं। कल उपवास किए थे, आज सुबह मेरा तबीयत एकदम नहीं ठीक लग रहा था, क्योंकि फास्टिंग का दिन तो लगता नहीं, दूसरा दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लगता है। और अभी हमको नाश्ता भी नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन जैसे बंगाली में हम लोग ना फास्टिंग रहते हैं तो उसका दूसरा दिन फिर नहाएंगे बाल धो के फिर ही हम नाश्ता करेंगे, नहीं तो अभी नहीं करेंगे नाश्ता, ऐसे हम लोग का नियम होता है। इसी वजह से मैं अभी नहीं नाश्ता कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ तेल डाला था, जीरा, कड़िया पत्ता और इसमें बादाम डाल दिया था। अब मैं प्याज डाल दूँगी और फिर नहा के आज हम लोग को खाना है। जैसे फास्टिंग करेंगे उसका आगे दिन भी हमको पहले नहा के खाना पड़ेगा और फास्टिंग का दूसरा दिन भी ऐसे ही होता है। तो आज पता नहीं सुबह से मेरा माथा में चक्कर, बहुत ज़्यादा मेरा माथा चक्कर दे रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने बताया नहीं क्योंकि वो ऑफिस जाने वाले हैं। मैंने सोचा थोड़ा देर बाद देखते हैं ठीक हो जाएगा, इस तरह से मैंने बताया नहीं क्योंकि उनको फिर टेंशन हो जाएगा, दिन भर वो बाहर रहते हैं ना इसीलिए। तो इसीलिए मैंने चुपचाप रह गया और मेरा तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं सोच रही थी जल्दी से इनको टिफ़िन देके ऑफिस भेज दूँ, फिर 1-1.5 घंटा में रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि कल फास्टिंग में मैंने जैसे मीठा खाली खाना पड़ता है ना हम लोग में, जैसे पूरी और पूरी में नमक नहीं रहता है और जो कुछ भी आपको खाना है मीठा, और ज़्यादा मीठा खाने का वजह से ना मुझे पता नहीं, मतलब ज़्यादा मीठा तो मैं खा नहीं पाती हूँ, मैं मीठा नहीं खाती हूँ। जैसे आप लोग को पता है मैं शुगर तक नहीं लेती हूँ, तो मीठा तो मैंने नहीं खाया था, मैं आम खाया था, फिर एक मीठा मैंने खाया था। पता नहीं किस वजह से मुझे एकदम मैंने अजब लग रहा आज मेरा तबीयत। तो ये मेरा टिफ़िन बन चुका था। अब लंच में मैंने उनको छातों का शरबत बना के दूंगी, तो मैं एक लोटा में छातों और पानी ले लिया था, इसको अच्छा से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे नींबू का रस, काला नमक, प्याज और हरी मिर्च। जलजीरा रहता तो देते, तो अभी जलजीरा मेरे पास नहीं है, तो एक मिर्ची को मैंने एकदम छोटा छोटा करके काट के दे दूँगी। तो ये जो छातों का शरबत मेरे हस्बैंड को मैंने आज सुबह रोटी नहीं बना के क्यों नहीं बना के दी वो भी बताती हूँ, क्योंकि बोले ना मेरा माथा में चक्कर दे रहा था, तो मैंने फ्राइड राइस और सोया चिल्ली बना के दे दिया था और कुछ रात का पूरिया बचा था, तो मैंने सोचा उसको भी दे दूँगी, साथ में तो खा लेंगे। और अभी जो है मैं प्याज काट के दे रही हूँ और वो छत्तू का शरबत है, मैंने बोला कि आप छत्तू का शरबत पी के जाइए, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में छत्तू का शरबत हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, इसी वजह से ये 2 ग्लास जैसा होगा। तो उनके लिए मैंने छत्तू को के दे दिया था। अब मैं उनको ऑफिस भेजूंगी और मैं खुद रेस्ट करूंगी, रेस्ट करने के बाद जब मैं उठूंगी तब खाना बनाएंगे। और आज हम लोग में और एक नियम भी होता है, जैसे मछली खाया जाता है, जैसे निरामिष चावल जो होता है आज नहीं खाया जाता, तो ये नींबू का रस दे रहे हैं, तो नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा देंगे कि उसमें टेस्ट अच्छा आएगा।
तो आज हम लोग में निरामिष नहीं खाया जाता है, मछली खाना जरूरी होता है, मीट ना खाएं मछली खाना जरूरी होता है। तो वही मेरा हस्बैंड मछली लेके फिर मतलब खरीद के बाज़ार से फिर रख के जाएंगे, और देख रही हूँ क्या खाना बनाते हैं, क्योंकि जैसे बोल रही हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो सिंपल से कुछ तो थोड़ा ज़्यादा नींबू का रस देंगे तो खाने में टेस्ट आता है इसी वजह से। तो मैंने अब मेरे हस्बैंड को बोला कि पहले आप छत्तू पी लीजिए और फिर जाके आप बाज़ार से जो कुछ भी लाना है लेके फिर आप ऑफिस चल जाइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा देर बोले ना कि उनको ऑफिस भेज के एक घंटा डेढ़ घंटा मैं रेस्ट करूँगी। मेरा माथा बहुत ज़्यादा, सुबह उठना भी पड़ा, जैसे 5 बजे बेटा का स्कूल रहता है तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, और स्कूल नहीं भेजेंगे ना तो और घर में रह के बदमाशी करेगा, और स्कूल भेजना तो ज़रूरी है। तो ये छत्तू सरबत जो है मेरा रेडी हो चुका है, तो चलिए हस्बैंड को दे देते हैं और बाकी काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये रेडी हो गया मेरा छत्तू का सरबत, आप टिफ़िन पैक कर देते हैं। देखिए मैं टिफ़िन में क्या क्या दे रही हूँ, इसमें मैंने जो बोला था ना कि पूरी बचा था रात का, तो मैंने यहाँ पूरी और का रात को मैंने बनाया था पूरी और खीर, उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा बेटा मोबाइल में स्कूल का कुछ काम कर रहा था। तो मेरा 2 मोबाइल है, लेकिन जो पुराना, ये नया सेट मैंने लिया, जो पुराने वाला मोबाइल है पता नहीं उसका स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ गया था, इसी वजह से जो है वो नया मोबाइल में स्कूल का काम कर रहा था। तो ये सोया चिली दे दे, और जो मैंने राइस बनाया था वो डाल दूँगी। वैसे ये टिफ़िन सबको मिल के खाता है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा ही, सबको बढ़िया से हो जाए, किसी को कम ना पड़े, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही देती हूँ। तो ये देखिए जो राइस है बहुत ही टेस्टी भी सुंदर भी था, मैंने खाया नहीं था लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। और जब मैं यहाँ वॉइस दे रही हूँ और वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, अभी बज रहा रात का 12:30, तो मुझे सोते सोते 1 बज जाता है, फिर सुबह उठना पड़ता है, इसीलिए पता नहीं तबीयत थोड़ा ख़राब रहता, और दिन भर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि अकेले में रहती हूँ। तो इतना बड़ा घर को संभालना होता है, बच्चा का स्कूल होता है, हस्बैंड का ड्यूटी होता है, मेरा ससुर जी उम्मीदवार है। तो ये मछली लेके आ गए थे, तो मछली को मैंने धो धा के नमक हल्दी लगा लिया था। तो आलू और पटल देके मछली का झोल बनाएंगे, आलू पटल वाला मछली का झोल जो है हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इधर दाल बन गया था, भात भी बन गया था, और साग बनाएंगे सोच रहे हैं, और सोया चिली जो बनाया था वो बचा हुआ है, बस आज इतना ही बनाएंगे। तो उस साग में मैं ज़्यादा करके प्याज और लहसुन देके बनाऊंगी। तो ब्लॉग को फिर एंड करते हैं क्योंकि मेरा खराब का वजह से मैं ज़्यादा देर तक नहीं टालूंगी। तो ये देखिए मैंने साग में बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन डाला था, मैंने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद कुछ देर रेस्ट किया था, फिर उठ के मैंने ये सब काम स्टार्ट किया था। तो आज दोपहर का लंच एकदम सिंपल साग बन गया था, आलू पटल का जो मछली वाला झोल है उसका तरी के लिए मैंने मसाला रेडी कर रहा था। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं कल।